सुप्रभात है मित्रों, मैं मनोज मेहरा अपने चैनल योगो निरोग पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर विभिन्न योगों द्वारा, विभिन्न आसन और प्राणायामों के अभ्यास द्वारा विभिन्न बीमारियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आपको बताया जाता है कि यदि आप 4P पद्धति को फॉलो करते हैं तो निरोग रह सकते हैं बिना किसी औषधि के, बिना किसी चिकित्सक की सहायता के। अपने जीवन में योग और प्राणायाम को शामिल करें और अपने रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों सभी को इस प्रकार की अनुरोध करें, उनको राय दें कि आप भी अपने जीवन को यदि निरोग बनाना चाहते हैं बिना औषधि, बिना चिकित्सक की सहायता के, तो 4P पद्धति को फॉलो करें, योग आसन और प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस प्रकार का हमारे चैनल पर आपको बताया जाता है। आज मैं आसनों की कड़ी में आपको बताने वाला हूं एक ऐसा आसन जिससे हमारा लीवर बिल्कुल सही हो जाता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल सही हो जाता है। कोई भी कैसी भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, हमारे पाचन तंत्र में इतनी मजबूती आ जाती है, इतना जबरदस्त हो जाता है कि हमें कभी भी कोई भी समस्या नहीं आती है। आपको मित्रों पता है, लीवर हमारे पाचन तंत्र की सबसे पहली कड़ी है। हमारे शरीर में जितने भी अनवांटेड प्रोडक्ट जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को पसंद नहीं है, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, लीवर उनके को सबसे पहले चेक करता है, चेक वाल्व का काम करता है और गलत चीज़ों को, गलत पदार्थों को जिनमें अधिक टॉक्सिन है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, उनको लीवर शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करता है। तो लीवर की मजबूती हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है मित्रों। तो आज मैं आपको वो आसन बताने वाला हूँ जिससे लीवर हमारा पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। लीवर की कोई समस्या, कोई बीमारी लीवर में, चाहे गांठ हो, चाहे लीवर फाइब्रोसिस हो, चाहे लीवर सोराइसिस हो, चाहे लीवर में सूजन हो, चाहे लीवर काम ना कर रहा हो, चाहे लीवर की वर्किंग पावर कम हो गई हो, चाहे लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन ना कर पा रहा हो, कोई भी किसी भी प्रकार का लीवर का रोग इस आसन के प्रयोग करने से खत्म हो जाता है। और यदि आप इस आसन के साथ साथ कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, मंडूक आसन और अर्धमत्स्येन्द्र आसन का भी रोज अपनी जीवनचर्या में अभ्यास करते हैं, तो आपके जीवन में से पेट संबंधित, पाचन संबंधित, लीवर संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहती है। और यदि आपको यह क्रिया जाननी है तो मेरे आप वीडियो देख लें जिसमें मैंने सभी प्रकार के प्राणायाम और योगासन सिखाए गए हैं और किससे कौन सा लाभ है, कौन सी बीमारी में कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम मदद करता है, वह सब मैंने अपने वीडियो पर प्रस्तुत किया हुआ है। अब आपको आज का आसन समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस आसन से करते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लाभ तो आपको पता चली गए हैं, कुछ लाभ आपको ना भी पता हो तब भी हो जाए तो हमारा कुछ नहीं जाता है, लेकिन सावधानियां बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि सावधानी यदि हम नहीं रखते हैं तो हमें नुकसान होने की संभावना होती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। हम सभी कार्य लाभ के लिए करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका स्वास्थ्य उत्तम हो और स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो फिर हमें मजा नहीं आएगा, हमारी आत्मसंतुष्टि नहीं होगी और एक ग्लानी का भाव उत्पन्न होगा जो कि आप भी नहीं चाहेंगे। इसलिए सावधानियां बहुत ज्यादा ध्यान से सुने। जब भी आप कोई भी आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो खुले वातावरण होना चाहिए, ऑक्सीजन का फ्लो प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, कहीं भी बंद कमरे में प्रयोग ना करें। कोई बीमार व्यक्ति हो तो कुछ आसन प्राणायाम किए जा सकते हैं, उनको आप पता कर लें। दूसरी बात, आप सदैव खाली पेट आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें, और खाली पेट आपका प्रातः काल में होता है, टॉयलेट जाएं, पेट खाली हो जाए, सर्वोत्तम समय सूर्योदय के समय करें, पूर्व दिशा की मुंह कर और मुंह करके करें, जमीन पर कोई सूती चादर बिछा लें, सर पे कोई कॉटन की कैप लगा लें और आसन प्राणायाम का अभ्यास करें आप, तब भी आपको 100% लाभ होता है। सावधानियों में आपको यदि पेट का ऑपरेशन हुआ हो, यदि आपके हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो, तो कम से कम आपको 3 महीने तो कोई भी आसन या प्राणायाम करना नहीं होता है, सिर्फ एक अनुलोम विलोम तो कर सकते हैं। बाकी आप तो क्या समस्या रही है, क्या आपने ऑपरेशन कराया, उसके लिए आप किसी योग्य योग शिक्षक से राय कर लें, मशवरा कर लें, कंसल्ट कर लें, एडवाइस ले लें कि मुझे अब कितने समय तक कौन सी चीज का परहेज करना है। और यदि आपका BP बढ़ता है, यदि आपको सांस चढ़ने लगती है, तो फिर आप उस आसन को वहीं पर रोक दें और रिलैक्स करें। जो आज मैं आसन बताने वाला हूं उसमें भी ये सारी सावधानियां काम करती हैं, इन सभी का ध्यान रखना होता है। और सबसे मजबूत, सबसे जरूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे आवश्यक जो सावधानी है वो यह है
कि आपने अपनी क्षमता से अधिक कभी भी किसी भी प्राणायाम आसन का अभ्यास नहीं करना होता है। आज का हमारा आसन में भी यही है। आज के हमारे आसन का नाम है बका आसन। बक मीन्स बगुला। जो बगुला आपने देखा होगा, हमने बगुले से प्रेरित होते हुए इस आसन का निर्माण किया है और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेन पोज। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, अपने हाथों को हथेलियों को जमीन पर रखना होता है और अपनी नाभि के दोनों बीच में अपनी कोहनियों के ऊपर नाभि को ले जाकर संतुलन बनाना होता है। कोहनी के साथ में अपने घुटनों का आधार बना देना होता है, घुटनों को कोहनियों के ऊपर संतुलित कर लेते हैं। देख लेते हैं किस प्रकार करेंगे। बहुत सावधानी से करने के लिए है, थोड़ा सा कठिन आसन है, लेकिन यदि आप अभ्यास से करने लेंगे तो आप सरलता से सीख जाएंगे और प्रारंभ में आपको किसी ना किसी योग शिक्षक की मदद ले लेनी चाहिए। और एक बात तो मैं बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ इस आसन के लिए स्पेशली, मैं भी जब आपको आसन करके दिखाऊं तो इस वाले हिस्से में गिरने की समस्या हो सकती है। आपके साथ जो अभ्यास हो जाएगा उनको नहीं आती है, तो आगे कोई ना कोई गद्दा बिछा ले। यदि आप कभी आगे गिरते हैं तो आपके माथे में, आपके नाक पे, आपके फेस पर चोट नहीं लगती है। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पोज में दिखाता हूँ। हथेलियाँ हमारी इस प्रकार हो जाएंगी, जमीन पे रख लेंगे और पूरा भार हमारे शरीर का हमारे हाथों पर आ जाएगा। शुरू में यदि किसी से नहीं हो पाता है तो हाथों का वार्म अप एक्सरसाइजेस करने पहले आवश्यक हो जाती हैं, अच्छी रहती हैं, हाथों को मजबूती आ जाती है। तो रोज सबसे पहले इस आसन को करने से पहले हाथों की वार्म अप एक्सरसाइज कर लिया करें। कैसे करते हैं वो सब लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल पे मिल जाते हैं। हर प्रकार के आसन और प्राणायाम वहाँ पर हैं। अब हम पीछे से अपने पैरों को उठाएंगे और अपने घुटनों को इन कोहनियों के ऊपर जो हैं संतुलित करने का प्रयास करेंगे। पूरा भार हमारा हाथों पर रहेगा और हमारे लीवर की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमारे मस्तिष्क की एक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि सारे ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ आ जाता है, हमारे मन की चंचलता कम हो जाती है, हमारा मन एकाग्र होने लगता है, स्थिर होने लगता है और हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारे मानसिक मदद मिलने लगती है, हमारा मन मजबूत हो जाता है और हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। देखिए मित्रों किस प्रकार करना है, और इन कोहनियों के ऊपर घुटनों का संतुलन बनाया, पीछे से एक एक करके पैर को उठाया और जितनी देर सहजता के साथ रोक पाएंगे रोके रहेंगे। कम से कम 10 सेकंड रोकना बहुत अच्छा होता है। प्रारंभ में श्वास भर के प्रारंभ करते हैं, बाद में श्वास धीरे 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 चलता रहता है, श्वासों की गति सामान्य रहती है। और मित्रों जब आसनों का हमें अधिकतम लाभ लेना होता है तो अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान देना होता है। कुछ भी गलत ना खाएं, कुछ भी नुकसान करने वाला ना खाएं, कुछ भी प्रतिबंधित चीज़ों का सेवन ना करें। जितना कम से कम हम अपने भोजन के ऊपर ध्यान देते हैं उतना अधिक हमें लाभ होता है। कौन से भोजन आपके खाने योग्य हैं, कौन से भोजन नहीं खाने योग्य हैं, यह सब भी मेरी वीडियोस में 4P पद्धति में दिया गया है। 4P पद्धति को यदि हम फॉलो करते हैं तो हम निरोग रहते हैं जीवन पर्यंत, कोई रोग हमें नहीं लगता है, कोई मौसम परिवर्तन हो, कोई किसी प्रकार की समस्या हो हमें नहीं हो पाती। अब दूसरी साइड से देखते हैं, फिर दोबारा से मैंने हथेलियां नीचे रखी, पूरे पंजे जमीन पर सेट, कोहनियों के साथ अपने घुटनों को संतुलन की अवस्था में लाएं, पीछे से पंजे उठे हुए, आगे पीछे से एक एक करके पैर को उठा देंगे, पूरी तरह संतुलन आ जाएगा, रुक जाएंगे और श्वासों को पहले भर लेंगे, फिर श्वास सामान्य गति से चलते रहेंगे। कम से कम 10 सेकंड का प्रतिदिन अभ्यास इसका करना ही चाहिए। 10 सेकंड बहुत सही पर्याप्त है। यदि आप अधिक कर पाते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है, 20 सेकंड कर लें, 30 सेकंड कर लें, लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे जबरदस्ती करें और आप संतुलन बिगड़ जाए और आप गिर जाए। अधिक आपने अभ्यास करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक बार कर लें, दो बार कर लें, फिर रिलैक्स कर लें, फिर चार बार कर लें, सात बार कर लें, 11 बार कर लें, जितनी भी बार आपकी इच्छा हो कर सकते हैं, नुकसान नहीं होता है। सिर्फ शरीर की क्षमता का ही ध्यान रखना होना है। अभ्यास सदैव हर व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, इसलिए प्रतिदिन अभ्यास करें। 1 घंटा कम से कम रोज के योग अभ्यास को दें, विभिन्न प्रकार के आसन और प्राणायाम अपने जीवन में शामिल करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें,
जीवन पर्यंत आपको कोई औषधि की आवश्यकता ना पड़े, किसी चिकित्सक की आवश्यकता ना पड़े, ऐसी कामना के साथ आज के वीडियो को मैं विराम देना चाहता हूँ। और यदि आपको कोई समस्या होती है, कोई शंका होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें योग ऑन योग, या मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। परंतु रात को 8 बजे के बाद ही आप कॉल करेंगे तो आपको उसी समय जवाब दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। नंबर है मेरा 9927278327। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको तुरंत कोई ना कोई जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन चाहिए। कॉर्नर में रेड बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना होता है। लाइक करें वीडियोज को, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।